हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे टू शादी का, ठीक है। आज मम्मी क्या है, आज शादी होगा, बारात जाएगा। यस, तो आज जाएगा बारात। तो अब हम उठ चुके हैं, 8 बजने वाला है, रात को बहुत लेट सोए हैं, तो अब मेहंदी सेशन स्टार्ट करेंगे। दीदी भी उठ चुकी है, मेहंदी लगा देती है। तो अब यहाँ पे अब मम्मी को भी मेहंदी लगाना है। बस मेरा हाथ खाली है गाइस, बस मेरा हाथ खाली है, कोई बात नहीं है। तब तक हम दीदी को लगा दे, दीदी तुमको हम, हाँ ठीक है। तो अब हम मेहंदी सेशन, हमारी मम्मी आज कल ही लगाई थी, फिर आज भी लगा रही है, और हमारी मामी लगा रही है। बस मेरा हाथ खाली है गाइस, कोई लगा देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, अब कितने बजे बर्फ भी होगा, शाम को। सो गाइस, ब्रश तो मिला था हमें, लेकिन नहीं, मुझे आज इससे ब्रश करना था, मजा आता है। और मम्मी और दीदी चाय बना रही है, तो जन्ने तेने ना खींचे के कर फोटो खींचे, नानी दाइए के ना खींचो है, दमाद के बहुत टाइम ही दमाद के तू निम्मन मारे तो फोटो खींचो, तब ना तो कहते अरे अंजू की दादी ऐसा है। ओके, ये कन्या निरीक्षण वाला तैयारी चल रहा है, ये पूरा इसमें यही है। तो ना कौन से सॉरी, साड़ी अच्छा नहीं पहने, अच्छा से केस भी नहीं जा रहे एकदम, पैसा मेरा फोटो नहीं लाऊंगी। ओ तो पहले ही बोल देती ना, काम तो तैयार हो जाते हैं। मौसी लगता वाला मम्मी, मौसी ले ले काम ले ले, फोटो तो ले ले, कौन करता वाला। भाई 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 गाइस, ऐसा होता है ना, लास्ट मोमेंट में शॉपिंग देखे, इस बच्चे के पास कपड़े पहनने के लिए कुछ है नहीं, तो ये शॉपिंग के लिए जा रहा है, सबके लिए खरीदा गया, बस इस बच्चे के लिए नहीं खरीदा है, सरवार है। अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। यस, तो अब हम भाई बहन निकल चुके शॉपिंग के लिए। कोई बात नहीं, तुम चुड़ैल हो तो चुड़ैल लगोगी नहीं, ओरिजिनल ना है, डुप्लीकेट है। तो छोड़ ना तू, लो भैया आ चुके हैं, चलिए अब देखते हैं क्या पसंद आता है इस बच्चे को। ये तो पैजामा कुर्ता कितना बिजोड़ लगता है, नाना का खर्चा कराओ दबा के, पहनेंगे। हाँ भाई गाइस, यहाँ पे दुकान में शॉपिंग चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन मेरी दीदी मेरे को सज रही है, सजा रही है एक्चुअली में। मेहंदी भी नहीं लगाई। हाँ मेहंदी भी लगाई नहीं, कोई बात नहीं है, हमको बहुत टाइम लगता है मेहंदी लगाने में, तो इसीलिए हम छोड़ दी, क्योंकि 2 घंटा फिर हम अपने हाथ में वेस्ट करते, क्या करते हैं। अच्छा उसको बुला के लगा देंगे। किसको, बेचारी खाना बना रही थी ना दीदी, कोई बात नहीं है, हम नेल पेंट में खुश हैं, ये टाइम बचा रहे, टाइम सेव है टाइम। हाँ हो गया, बच्चा सबका हो गया, सवारिया का हो गया, लेकिन मेरा भाई का ही नहीं है, इसको पसंद ही नहीं आया सर, बस पैंट पसंद आया ना, बस एक मजबूरी से काला कलर का पैंट पहन लिया है, क्योंकि इसका बड़ा वाला भाई है, क्योंकि आशीष कल बहुत अच्छा ले गया, तो इसको वही दिखा हुआ था, इसको हम लोग उसी दुकान में ले जा रहे हैं, लड़कों का नखरा है। पैंट ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट दुकान में एंट्री होगा अब इसका, देखते हैं इस बच्चे को यहाँ पे पसंद आता है कि नहीं। 2 घंटा शॉपिंग में लगा चुका है, अभी तभी भी जूता इसे नहीं हुआ है, और इसका इसको गर्मी लग के इसका हालत खराब है, इसका शर्ट हम पहन लिए, इनको भूख भी लग चुका है ना मम्मी, भूख लगा है, भूख लगा, हाँ 12 बज गया है, तो अब चलेंगे घर, लास्ट जूता है, शर्ट पैंट हो गया इसका, शॉपिंग कंप्लीट हो चुका हम लोग का, अब हम लोग खाएंगे खाना, ये लोग तो शुरू हो चुके क्योंकि काफ़ी भूख लग रहा है, जूता फिर भी नहीं मिला हम लोग को, अब यहाँ से हम लोग थोड़ी देर बाद रेडी होके जाएंगे ब्रह्मपुर ना मम्मी, हाँ 1-2 घंटा के बाद भी जाएंगे ब्रह्मपुर में, खा लेते पहले इसको ख़त्म, भूख लगा हुआ है। नहा लिए और 3 बजने वाला है ब्रह्मपुर के लिए, कितने बजे जाएंगे वो नानी से पूछते हैं, एंड बाहर सामान सब भी रेडी हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। और फाइनली ये सारा चीज़ तैयार हो चुका है, जो जाएगा आज दुल्हन के घर, और हम लोग भी नहा के तैयार हो चुके हैं, 3 बजने वाला, अब यहाँ से निकलेंगे ब्रह्मपुर, निकलेंगे क्या, अभी तो तैयार हो ही रहा है सब, 1 घंटे बाद, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ब्रह्मपुर। 6 बजे ब्रह्मपुर, 4 बजे तो अब ये कहला नहा दे हम लोग के, ये चलते कितने से टाइम लागल ना, हम ना तैयार हो खेले, हम ना हो खेले तैयार।
और सबसे सुंदर तो आज यही लगने वाली है। बाल झाड़ ला ठीक, तेरे मुंह में क्रीम भी लगा ला। ओके व्लॉगिंग तो ये हमसे ज़्यादा अच्छा कर लेगी, सीख गई है पूरा ये वीडियो देखते देखते। एंड क्या कहे, आप लोगों को मेकअप करवा लिए थे उस दिन, उसके बाद रैसेस जो आ गया, बाप रे स्टाइल जे मार रही थी लड़की। हाँ बैठे ला जगह खोज थे ये कितने बारी हम मेकअप देख रहे गाइस। ये इतनी छोटी सी बच्ची का आजकल मेकअप का इतना जोश चला हुआ है। लगा कथी अनार आई लाइनर। ओ अच्छा हमने ननु समझ में आवाले ना सूखा ला अभी। सो हो चुके तैयार, एकदम सिंपल लुक रखे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। हेलो काहे मुंह फुलाई हुई है, गर्मी लग रहा है। देखिए गाइस इसको गर्मी लग रहा है, भर भर के गर्मी लगेगा, मेकअप चढ़ाई हुई है इतना ज्यादा, इसलिए गर्मी लग रहा है तुमको, इसलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बरम पूजने, यहाँ पे देवता घर पे पूजा हो चुका है। ओ मम्मी सुंदर लग रही है प्यारी। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से पूजा हो जाएगा फिर निकलेंगे। सब हम लोग निकल चुके बरम पूजने, काफी ज्यादा है लेकिन टाइम हो आगे आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पे मेरी मम्मी स्पेशल ट्रीटमेंट ले रही है क्योंकि इनका पैर ना इसलिए, और आइए तो एंजॉय तो करना बनता है। यहाँ पे देख लीजिए बच्चा लोग कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। ये लोग बाय बाय, ये लोग फ्लंट कर रहा है आज। दुल्हन तो ये बनी हुई है। अरे यार पूरा सच धज के तो यही अच्छी बनी हुई है। वो तो कहाँ पहुँच चुके, दिख भी नहीं रहे ये लोग एकदम, और हम लोग इतना ज्यादा पीछे हैं। हम लोगों को शायद इस सबका आदत नहीं है या फिर के इतना गर्मी में तो शादी एंजॉय भी नहीं किए कभी किसी का। गाइस एक चीज का सबक मिला कि गर्मी में शादी बिल्कुल भी भूल कर ना करे। ये तुम अपने लिए बोल रही हो क्या? हाँ प्लीज को तुम ठंडी में ही करना क्योंकि हमको फ्लॉन्ट करना अपनी बहन के शादी में। आज मामा का शादी है तो फ्लॉन्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज ओके तुम इस चीज का ध्यान देना कि तुम्हारी बहन को एंजॉय करना है ओके, क्योंकि इससे पहले हम कोई भी शादी में एंजॉय नहीं किया। मतलब वैसे थोड़ा बहुत किए बट अपना घर का वो होता है ना एक एक्साइटमेंट वाला शादी, ये भी घर का शादी है बट क्या हो रहा है ना कि गर्मी तो बरम पूजा एक जगह हो चुका है, अभी बहुत कितना जगह और होगा आज ऊपर सारे, और मतलब और उधर उधर दो तीन जगह और जाना है, बहुत दूर है। लेकिन मेरा भाई हमको स्कूटी में बैठ के ले आया है आशीष, ये हमको लेके आ गया है। और मम्मी को भी थक गए थे यार, नहीं पॉसिबल होता है ना, मम्मी को तो और ज्यादा दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा ना, इनको तो बहुत ज्यादा, जो ठंड में रहते हैं ना उनके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और वेटिंग अब 5 बजने वाला, फिर भी कोई फील नहीं हो रहा है कि मतलब ठंडा लग रहा है। नहीं मैंने ठंडा नहीं हुआ। नहीं हाँ वही, आज बादल भी ना है, कोई बात नहीं, तब तक हम माँ बेटी एंजॉय करते हैं जब तक और लोग आते हैं। खत्म हो गया, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग का आवाज तो आ जाएगा नई वीडियो में। सो गाइज वी आर बैक होम ठीक है, लेकिन बहुत हालत खराब हो गया, अब दूर जाना पड़ा। बहुत मजा तो आया ठीक है, बहुत पैर दुख गया, लेकिन अब मम्मी के पर्स में से पैसा चुरा लिए हम लोग, अब जा रहे हैं पानी पूरी खाने क्योंकि बहुत जोर का भूख लगा हुआ है। लेट्स गो दीदी, अब यहाँ से बस लोग बारात जाएंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं, कहानी खत्म है। अब हम दोनों मम्मी का पर्स में का पैसा, मम्मी वीडियो में देख लेगी, वैसे मम्मी कितना चिड़ाई हुआ वीडियो में देख लीजिएगा ठीक है ना।
ओके सब हम लोग जा रहे हैं पानी पूरी खाने, क्योंकि बहुत जोर का भूख लगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा दीदी यहाँ पे। अच्छा अभी फिर नहाया धोया जाएगा और उसके बाद अच्छा लड़का को तैयार किया जाएगा और लड़का को गाड़ी में बैठा के दुल्हन लेने भेज देंगे, है ना। बस इतना ही और आज के लिए। बाजार आए थे पानी पूरी खाने, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मामा ने पकड़ लिया और मामा अब यहाँ पे हम लोग को खिलाएंगे एग रोल। खा लेते यार, नॉन वेज का तो हम अलग ही मेरे को क्रेज रहता है। यहाँ पे मामा का कुमारपन उतारा जा रहा है, जहाँ पे 5 लड़के के साथ मिलके चूड़ा और दही खाया जाता है शायद से। अब यहाँ मामा रेडी हो चुके और यहाँ पे लास्ट बचे हुए रस्म को पूरा किया जा रहा है, उसके बाद ये निकलेंगे। अब यहाँ से सब जाएंगे बारात। खोल दीजिए गेट, खोलिए गेट। खोलने का हक नहीं था लेकिन हाँ गेट खोलने का रुपया चाहिए होता है मामा। आप लोग रुकिए ना, नहीं खोलिए गेट, ऐसे ही थोड़ी खोला जाता है, थोड़ा अच्छे से। अरे ये तो बहुत है, नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ मामा, ये तो बहुत कम नहीं हुआ, बहुत कम। ओके सो गाइस बारात जा चुका है और हम लोग चेंज करके अब लेट गए, बहुत ज्यादा थक गए। मतलब कुछ किए बिना थकना भी एक टैलेंट ही है। मम्मी भी हंस रही है और लिटरली मम्मी बहुत बेकार वाला अजीब सा, इतना ज्यादा गर्मी, ऊपर से इतना ज्यादा पैदल 6-7 किलोमीटर के आसपास में हो गए ना बड़म पूछने के लिए, तो काफी दूर। उसके बाद बारात तो गए नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद अब तो पता नहीं खाना पीना खाने का भी मन नहीं, क्या करते पता नहीं, कल अब देखते हैं सुबह भी दुल्हन आती है तो शायद इसका नेक्स्ट दूसरा व्लॉग बन सकता अगर हम चाहे तो। ये पार्ट 2 को यहीं पे खत्म करते, टाटा बाय बाय लव लव। अरे नहीं, पार्ट 3 का वेट कीजिएगा ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं प्लीज। बाय, लव लव।